इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन करेंगे अब सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में पिछले लेक्चर्स में सर्कुलर मोशन के कैनेमेटिक वेरिएबल तो कर ही लिए थे पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन और ये भी देखा था कि एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी वेरिएबल होती तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोगों ने यूनिफॉर्मिटी एंड नॉन यूनिफॉर्मिटी एंगुलो वेलोसिटी के बेसिस पे बताई थी और v उकल ओमेगा का रिलेशनशिप भी कर लिया था तो जहां पे एंगुलर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट होगी वहां पे स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो तो v भी कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा भी कांस्टेंट होता है और स्पीड भी कांस्टेंट होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा बदलेगा तो स्पीड v उकल ओमेगा में r रेडियस है तो v भी बदलेगी अच्छा स्पीड बोल लो वेलोसिटी तो सब में बदलती है चाहे ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी में स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है और सर्कुलर मोशन में कोई चीज़ चलेगी तो देखिए वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन ये देखिए ये देखिए डायरेक्शन ये डायरेक्शन टू द दें शल टू द टू द पार्ट वेलोसिटी तो हमेशा ही बदलती रहेगी डायरेक्शन भी बदलती रहनी है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों में बदलती है हम बात करते हैं स्पीड की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है

इन जनरल रेट ऑफ चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटरवल होता है तो आपको बताना पड़ेगा किस टाइम इंटरवल का आपको एवरेज एक्सप्रेशन चाहिए तो मान लो मुझको ए टू बी चाहिए ये एक एग्जाम्पल है मान लो मुझे ए से बी चाहिए ए है ये बी है ये आपका क्वार्टर सर्किल है तो ए से बी के बीच में टाइम इंटरवल टाइम पीरियड का

थ्री फोर्थ रिवोल्यूशन हो गया फिर वही आएगा ये करेंगे तो ये देखिए ये वी ये कैप, कैप, कैप तो स्क्वायर से पूछा है वॉट इज द एवरेज एक्सलेशन इन सर्कुलर मोशन इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इतना आसान क्वेश्चन है बट 90 परसेंट लोग जल्दबाजी में गलत करते हैं लिख देते हैं सेंटिपीटल एक्सलेशन वी स्क्र ओमेगा स्क्वायर आर गलत

कंसीडेबल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यहाँ पे भी स्पीड भी है यहाँ पे भी स्पीड भी है और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये वाला जो एंगल बनना है ये थीटा बनना है ऑब्वियसली देखिए इन दोनों की रेडियस वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बनेगा तो इस रेडियस के 90 डिग्री पे ये टेंजेंट इस रेडियस से नाइनटी डिग्री पे ये वाला टेंजेंट दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है तो उनके नॉर्मल के बीच में भी थीटा होगा तो भाई रेडियस के बीच में एंगल थीटा है तो टेंजेंट्स के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा इसको तो मैंने पीछे बढ़ा के भी दिखाया था ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा और डिराइव कर सकते हैं आप दूसरे तरीके से जिमिटी से डिराइव कर सकते हैं सब बड़ा आसान सी चीजें हैं भाई ये नाइनटी है ये नाइनटी है कॉर्डिलेटल में सारे एंगल कैसे सम थ्री सिक्सटी को होता तो इन दोनों का तो वन एट्टी हो गया तो ये थीटा है तो सामने वाला वन एट्टी माइस थीटा होगा तो जो इसको आगे बढ़ाओगे तो थीटा आ जाएगा तो यही तो एंगल है

याद आए कुछ उसमें वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर कॉस्टा ए की जगह भी वी रखते हैं तो वन माइनस ले ले तो होता है 2 2, तो फोर ले ले ले, तो का टू वी स्क्वायर का v sin

V, छोटे एंगल के लिए साइन थीटा बाई टू को मैंने ले लिया थीटा बाई टू हाँ ये अलग बात है की थ्रीटा बाई टू में छोटा एंगल हो चुका है तो डी थीटा बाई टू लिखना चाहिए तो ये देखिए मैंने डी भी लगा दिया नीचे छोटा टाइम डेल्टा डी डी टी बन चुका है ये बन गया डी टी टू से टू कट गया बिल्कुल कट गया ये रहा टू से टू कट गया ये बन गया वी मल्टीप्लाइड बाई डीटा बाई डी टी बन गया भैया थीटा थीटा क्या होता है थीटा ओमेगा होता है ये बन गया v ओमेगा ये क्या बन गया v ओमेगा अब ये बताओ v ओमेगा बन गया तो v ओमेगा बन गया ये देखिए 2v sin थीटा 2 और ये आ गया dt ये बन गया 2v d थीटा 2, 2 dt ये तो बता रहा था v ओमेगा बन गया ओमेगा क्या होता है v r तो बन जाएगा v2 r और v की जगह r ओमेगा रख देंगे तो बन जाएगा ओमेगा2 r ये आ गया एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड अभी जरा इसकी थोड़ी सी और जांच पड़ताल कर लेते हैं डायरेक्शन पे आते हैं डायरेक्शन देखिए किधर आएगी डायरेक्शन हम लोग निकाल क्या रहे हैं हम लोग तो है, होगा किधर है ये चेंज इनोसिटी तो देखिए जब हम टाइम इंटरवल बहुत छोटा ले ले लेंगे तो चेंज इन विलोसिटी की जो डायरेक्शन आएगी वो किधर की तरफ आएगी हमको करना क्या है भाई एक पार्टिकल है जो सर्किल में घूम रहा है ठीक सर्किल में घूम रहा है और उसकी स्पीड नहीं बदल रही है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है सिर्फ डायरेक्शन बदल रही है तो मान लीजिए चलते चलते ये पार्टिकल यहाँ कहीं पहुंचा इस मोमेंट पे यहाँ पे जैसे ये वेलोसिटी है अब आप खुद ही बताइए अगर इसके अलोंग कोई भी एक्सिलेशन या फोर्स का कंपोनेंट आया तो स्पीड को बढ़ा देगा

तो इकलौता एंगल जिससे कोई कंपोनेंट ना है वो 90 डिग्री है अब 90 डिग्री में दो पॉसिबिलिटी है तो आउटवर्ड हो या तो इनवर्ड हो अब अगर आउटवर्ड एक्सलेशन ऑफ फोर्स होगा तो फिर इधर की तरफ क्यों घूमेगा सर्किल का सेंटर तो इधर है वो तो बाहर की तरफ चला जाएगा तो आउटवर्ड नहीं हो सकता इकलौती जो पॉसिबिलिटी है एक्सलेशन ऑफ फोर्स की वो है इनवर्ड और वो भी नॉर्मल नॉर्मल इसलिए जिससे इसका टेंजेंट के लॉन्ग कोई कंपोनेंट ना है क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग कंपोनेंट आएगा तो स्पीड चेंज होने लगेगी हम लोगों ने पूरा डेरिवेशन ये मान के किया कि डायरेक्शन तो बदल रही बट स्पीड नहीं बदल रही है समझ तो में आया तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो देखिये विलोजतीस हमेशा 90 डिग्री पे होगी फिगर दिख रहा है

वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r और इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंटीपेटल एक्सेलरेशन और आपको थोड़ा सा जनरल थोड़ा सा कांसेप्ट बता दूं ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा था मैं लेकिन अगर आप ये बताओ जैसे मान लो कोई भी कर्ण पाथ है मैं जनरल बात करूं कोई भी कर्ण पाथ है एक पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ टेंजेंशियल

जो और मोशन होंगे जो जैसे मान लो आप प्रोजेक्टाइल मोशन ले लो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ले लो जहां पे स्पीड भी बदल रही है डायरेक्शन भी बदल रही है वहां पे जो एक्सेलरेशन है नेट एक्सेलरेशन है उसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं एक जो स्पीड बदल रहा है वो ए टी डीवी बाई डी टी स्पीड बदलने वाला एक जो डायरेक्शन बदलने वाला है वी स्क्वायर स्क्वायर आर आर या ओमेगा उसका मैग्नीट्यूड होता है वो वेलोसिटी से नाइनटी डिग्री पे लगता है वो डायरेक्शन बदलता है सिर्फ वायरेक्शन बदलता है ये आपको समझना पड़ेगा एक्सलेशन को डायरेक्ट अगर आप जनरल समझ लोगे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों समझ जाओगे अगले वीडियो में मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझाऊंगा फिर ये बातें रिपीट करूंगा समझ में आट अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो पूछो तो ऐप डाउनलोड करो अपने डाउट की पिक खींचो स्नैपशॉट खींचो टाइप करो और उसमें डाल दो पूछो तो ऐप में आपको रिलेवेंट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी सब्जेक्ट है उसका आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा